हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई किचन। आज मैं आपके साथ बिना प्याज बिना अदरक बिना लहसुन के बहुत ही आसानी से आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो फ्रेंड 5 मिनट में झटपट बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही बेसिक मसालों से बनके तैयार होती है ये। आपकी किचन में जो भी मसाला है उन्हीं मसालों से ये सब्जी मैंने बनाकर तैयार की है। एक्स्ट्रा मसाले किसी का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी बहुत ही उम्दा और टेस्टी सब्जी बनती है। इस सब्जी को बनाना इतना आसान है, उतनी ही फ्रेंड्स ये सब्जी टेस्टी बनके तैयार होती है। फ्रेंड टेस्टी से आलू और बैंगन की सब्जी की रेसिपी शुरू करती हूँ। आलू और बैंगन की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 400 ग्राम आलू ले लिए। आलूओं को मैंने काट लिया, एक रहने दिया। आपको दिखाने के लिए कि मैंने किस तरीके से आलू को कट किया है, इस तरीके से मैंने आलू के पीसेस किए हैं। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से आलूओं को काट सकते हो। आलूओं को वॉश करके पानी में ऐड कर दें, जिससे कि आलू काले ना पड़े। आलूओं को उठाकर फ्राई कर देते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आधा किलो मैंने बैंगन लिया है, बैंगनों को भी हम कट कर लेते हैं। तो मैं बैंगन छील कर पकाती हूँ। कैसे भी बैंगन हो, आलू बैंगन हो या टूटी मिर्चों पर बैंगन हो, तो मैं छील कर बनाती हूँ। आप चाहो तो बिना छीले ही बैंगन पका सकते हो। इस तरीके से बैंगन को पहले छील लें। बैंगन को छील कर फ्रेंड्स कट कर लेते हैं। बैंगन आप सॉफ्ट सॉफ्ट लें, भिजा लूँ ना लें थोड़े से। फ्रेंड्स पानी में मैंने नमक ऐड कर दिया, जिससे कि बैंगन काले ना पड़े। पानी के अंदर ही आप बैंगन काटें, अगर पानी में नहीं काटोगे तो बैंगन काले पड़ जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने सारे बैंगन छील कर पानी में काट ली है। बैंगनों को उठाकर भी साइड रख देता है। सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया कुकर। आप पतीला कढ़ाई किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुकर में 1 बड़ा चम्मच भर का ऑयल ऐड कर देते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लें। ऑयल हमारे फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी के साथ ही 1 टीस्पून जीरा लिया मैंने, 1 पिंच हींग लिया। हींग मेरी अच्छी वाली है इसलिए मैंने कम इस्तेमाल किया। ये ऐड कर देते हैं ऑयल में। जीरे को फ्रेंड्स अच्छे से क्रैकल होने दें। जीरा हमारे फ्रेंड्स अच्छे से क्रैकल हो चुका है। इसी के साथ ही 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर मैं रफली चॉप कर लिया। ये ऐड कर टमाटरों को फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं। टमाटरों को फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट तक ऑयल में मैंने अच्छे से पका लिया है। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसी के साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च लेकर रफली चॉप करनी है। ये ऐड कर दें। थोड़े से फ्रेंड्स पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून लिया मैंने धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून लिया हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी ज्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले ऐड कर देते हैं ऑयल में। मसालों को भून लेते हैं बहुत ही अच्छे से। मैं फ्रेंड्स अदरक और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही। बिना अदरक बिना लहसुन के बहुत ही मजेदार उमदार सी सब्जी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा फ्रेंड्स मसाले में पानी ऐड कर दें, जिससे मसाले जले नहीं और बहुत ही अच्छे से भुने। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट तक मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। इसी के साथ ही बैंगन और आलू ऐड कर दें। फ्रेंड्स बेसिक मसालों से ही आलू बैंगन बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार होता है। ज्यादा कोई इसमें ताम जाम भी नहीं है। सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। ये देखो फ्रेंड्स सारे आलू बैंगनों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। लीड लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी देना। 1 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और स्टीम को अपने आप ही फ्रीज होने दें। पानी का इस्तेमाल फ्रेंड्स अभी बिल्कुल नहीं करना है। बैगन पानी छोड़ेंगे, उसी में आलू अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। 1 सीटी आने के बाद फ्रेंड्स मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। स्टीम भी खुद ब खुद रिलीज हो चुकी है। ये देखे आलू चेक कर लेते हैं, सबसे पहले टेंडर हुए हैं ये नहीं। ये देखे आलू बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। बैगनों ने ये देखे कितना सारा पानी छोड़ दिया। गैस का फ्लेम हाई कर सारा पानी फ्राई कर लेते हैं। चलाते हुए फ्रेंड्स सारी सब्जी का पानी ड्राई करना। ये देखे फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर सब्जी का पानी मैंने सारा ड्राई कर लिया है। इसी के साथ ही थोड़ा सा महीन कटा हरा धनिया ऐड कर दे। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। गैस का फ्लेम कर देते हैं और ये देखे मजेदार सी सब्जी बनकर हमारी तैयार है। और बहुत ही उम्दा सब्जी बनकर तैयार हुई है। इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखे फ्रेंड टेस्टी सी आलू बैंगन की सब्जी बनकर हमारी तैयार है। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।